क्या हो अगर एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में एक ही एग्जाम को पास करने में लगा दे फिर भी ना हो। और वैसे ही कहानी राजस्थान का रहने वाला अलवर जिले का शिवचरण यादव का। और इसकी कहानी सुनने के बाद आपको बहुत ही आश्चर्य होगा क्योंकि ये कहानी बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा अलग है, बहुत ही अनोखी चीजें जानने को मिलेगा। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बात है सर राजस्थान के अलवर जिले में रहने वाला शिवचरण यादव। कहानी शुरू होती है 1968 में। पहली बार बोर्ड एग्जाम में बैठा लेकिन बोर्ड एग्जाम में पास नहीं कर पाया और ऐसे करते करते 30 बार से भी ज्यादा एग्जाम देने पर भी पास नहीं कर पा रहा। लेकिन उसी समय शिवचरण ने कसम खा लिया था कि जब तक वो बोर्ड एग्जाम पास नहीं करेगा तब तक वो शादी भी नहीं करेगा। लेकिन ये फैसला उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था क्योंकि उसको घर में अकेला रहना पड़ रहा था और सरकार द्वारा उसको वृद्धा पेंशन भी मिल रहा था और खाना खाने के लिए पास वाले मंदिर में जाकर खाने लगा। फिर 1995 एग्जाम देने पर पास होने वाला था लेकिन गणित में कुछ नंबरों से फेल हो गया। लेकिन फिर भी एग्जाम देना नहीं चाहिए क्योंकि शिवचरण भी दशरथ मांझी से कम नहीं थे और साल 2020 में एग्जाम दिए और कोरोना की वजह से राजस्थान के सभी स्टूडेंट पास हो गए जिसमें शिवचरण भी शामिल था और शिवचरण बोर्ड एग्जाम का सर्टिफिकेट भी मिल गया। और अब इससे क्या समझे कमेंट कर।